हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे एमएस वर्ड के अंदर ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को मुझे डाउनलोड करना है और यहाँ पर मुझे पासवर्ड फिल करना है। जो पासवर्ड मैं फिल करूंगा उस पासवर्ड को मैं इंटर करूंगा तभी ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा, या फिर मुझे किसी को सेंड करना है डॉक्यूमेंट तो मैं डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा, उसके नीचे इसका पासवर्ड फिल करूंगा तभी ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पासवर्ड फिल ना करेंगे तो ओपन नहीं होगा। चलो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट को पासवर्ड कैसे लगाते हैं। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पर क्लिक, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करना है। जैसे सेव एज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नेम करना है कि जो भी आपको नाम देना है डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर आप दे सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, ये हमारा डॉक्यूमेंट का नेम, और इससे मैं डेस्कटॉप पर सेव करने वाला हूँ। CSV वेरियाव और वर्ड डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप पर मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ टूल्स पर आपको क्लिक करना है, जैसे टूल्स पर क्लिक करेंगे जनरल ऑप्शन पर आप क्लिक करना है, यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन, यहाँ पर आप जो चाहे वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पासवर्ड फिल करने ओके करें, फिर एक बार कंफर्म के तौर पर पासवर्ड फिल करें, फिर ओके करें, फिर लास्ट में आपको सेव करना है डेस्कटॉप पर। कहाँ पर सेव करें पहले आपको ध्यान रखना है, डेस्कटॉप पर करें या फिर डाउनलोड या फिर और किसी साइट के ऊपर, नेम क्या फिल करें ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए और सेव कर देना है बस। जैसे आप सेव कर देंगे, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और ये डॉक्यूमेंट हमारा डेस्कटॉप पर अभी आ चुका है। CSV भेली अयुब नाम से हमने इसे सेव किया था और ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। CSV भेली अयुब, मैं थोड़ा इसे ले लेता हूँ इधर, यहाँ पर है ये डॉक्यूमेंट CSV भेलिया। मैं इस पर क्लिक करूंगा और ओपन कर रहा हूं, तो जब तक ये पासवर्ड फिल नहीं करूंगा तब तक ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब।